आज के समय में मोबाइल फोन हर इंसान के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई अपने फोन को हमेशा अपने पास रखता है। यही नहीं, मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ हमारे फैमिली मेंबर से भी ज्यादा रहता है। हम अपने फोन को बहुत बार टच करते हैं, इसलिए भी हमारी ऊर्जा इसके साथ जुड़ी होती है। और हमारे मोबाइल में वॉलपेपर सबसे जरूरी चीज होती है। कई बार लोग अपने फोन के वॉलपेपर में अपनी फैमिली की फोटो लगाते हैं। इसका मतलब है कि वो इंसान अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है या याद करता है। कई लोग अपने वॉलपेपर पर अपने बच्चों की फोटो लगाते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है या करती है। क्योंकि हमारे फोन का वॉलपेपर हमारे अवचेतना मन से जुड़ा होता है, ऐसे में फोन से हम वो सब पा सकते हैं जो हमें पसंद हो। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सा वॉलपेपर लगाने से क्या मिलता है, और भी आपके मोबाइल फोन से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट जिन्हें अपनाकर आपका ये फोन आपके लिए लकी फोन बन सकता है। तो आइए जानते हैं इन हैक्स के बारे में। अगर आपको इस समय सबसे ज्यादा जरूरत धन की है, तो आप अपने वॉलपेपर पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की फोटो लगा सकते हैं। इससे आप धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, वो चीज हमें पाने की चाहते बढ़ती रहती हैं, और उसे रोजाना देखने से हम इसे अपनी ओर खींच ही लेते हैं। अगर आप अपने काम में ऊंचा उठना चाहते हैं या फिर अपने काम को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो अपने फोन में अपनी कंपनी का लोगो का वॉलपेपर लगाएं। ज्ञान और बुद्धि बढ़ाने वाली सरस्वती माता का वॉलपेपर अपने फोन स्क्रीन पर लगाएं। इस समय अगर आपको शांति की जरूरत है, यानी कि आपका मन बहुत चिंतित रहता या फिर आपको एंजाइटी की शिकायत रहती है, तो आप खुले आसमान का वॉलपेपर लगा सकते हैं। बिजनेस या करियर में तरक्की के लिए दौड़ते घोड़े का वॉलपेपर शुभ माना जाता है। फेम के लिए सनराइज का फोटो लगाना चाहिए। और अगर इस समय खुश रहना आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, तो आप अपने मोबाइल में खेलते हुए फूल का वॉलपेपर लगाएं। तो वहीं अगर आप अच्छी लव लाइफ चाहते हैं, तो लव बर्ड्स का वॉलपेपर लगाएं। तो दोस्तों, ये थे कुछ वॉलपेपर जिन्हें लगाने से आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आगे आपको बता दें, ज्योतिष के अनुसार अगर आपका फोन बार बार टूट जाता है, तो समझ जाइए आपका राहु खराब है। ऐसे में लगातार जौ का दान करें। इसके अलावा आपको बता दें, अगर आपके फोन में पासकोड लगा हो, तो वो आपके डेट ऑफ बर्थ से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि आपकी DOB और आपके फोन का पासकोड का जोड़ सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका जन्मदिन 13 को हुआ है, मतलब आपका मूलांक 4 हुआ और 27 है, तो इसका जोड़ हुआ 9। ऐसे में अपने जन्मदिन के हिसाब से अपने फोन का पासवर्ड सेट करें, क्योंकि जब भी अपनी जन्म की डेट को दबाते हैं, तो इससे आपका भाग्य जागृत होता है। तो दोस्तों, आपके फोन में कौन सा वॉलपेपर लगा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।